नहीं, सुबह 7 बजे से पुलिस की ड्यूटियां खड़ी हो गई हैं और उनमें हम लोग बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे हैं। कई शहर में पॉइंट हैं, अभी ये घंटाघर में है, यहाँ सब जगह से लोगों का आना जाना रहता है। चेकिंग हो रही है, बराबर चेकिंग वो कर रहे हैं कि कोई आदमी बेवजह घूम रहा है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है। जो जेन्यून है, किसी को कोविड का टीका लगवाना है, कोविड का टेस्ट कराना है, हॉस्पिटल में एडमिट होना है या एयरपोर्ट जाना है या ड्यूटी पे जाना है, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको जाने दिया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आज मैं यहां पर खड़ी हूं देहरादून में फिर से घंटाघर चौक पे, जो कि देहरादून की बहुत ही ज़्यादा अहम चौक है, यहाँ की मेन चौक है और देहरादून का दिल भी कहा जाता है घंटाघर को। इसी वजह से यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी की गई है, क्योंकि ज़्यादा तौर पर जो शहर के अंदर लोग आते हैं और बाहर जाते हैं वो इस चौक को ज़रूर क्रॉस करते हुए एक बार ज़रूर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि देहरादून में फ़िलहाल पूरे सप्ताह के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है। जी हाँ, कल 26 तारीख से शाम 7 बजे से लेकर 3 मई को सुबह 5 बजे तक यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के कोरोना केसेस जो हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि राज्य के कोरोना केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन देहरादून के कोरोना केसेस अकेले ही एक दिन में 2000 से लेकर 2500 तक के आंकड़े को पार कर चुके हैं। और इसी की वजह से यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है कर्फ्यू होने के बाद भी, जबकि सरकार ने जो है पहले ही ऑर्डर्स पास कर दिए थे कि शाम सात बजे से कल के 3 मई के सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पूरी तरीके से जो है शहर बंद रहेगा और आवाजाही जो है लोगों की बंद रहेगी, फिर भी लोग आ रहे हैं। हालांकि इस कर्फ्यू में एक एक्सेप्शन भी था, जिन लोगों को ज़रूरी काम से बाहर जाना है, जैसे कि मेडिकल पर्पज़ से, या फिर अगर उनकी कोई ऑफिस का काम है, अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं उस तरीके से, या फिर किसी की बेकरी है, दूध डेयरी की दुकानें खुली हैं, जैसे कि हम जानते हैं राशन पानी की दुकानें भी खुली हैं, साथ ही साथ पेट्रोल पंप वगैरह जो भी एसेंशियल्स हैं या फिर हम कहते हैं कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक इस कर्फ्यू के दौरान भी। लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं देखा कि कल जो है, जैसे ही कर्फ्यू की बात सामने आई तब लोगों में अफरा तफरी मच गई और कल के कल ही लोगों ने, भीड़ का माहौल था बहुत ज़्यादा, हमने देखा कि डिस्पेंसरी रोड की तरफ बहुत ज़्यादा लोग थे और अफरा तफरी मच चुकी थी सामान को लेकर, क्योंकि उन्हें लगा कि कर्फ्यू के दौरान पूरी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि अभी ऑर्डर के हिसाब से दुकानें 4 बजे तक खुली रह सकती हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई ज़रूरी सामान लेना है तो आप जा सकते हैं 4 बजे तक। और दूसरी बात यह है कि कर्फ्यू पास अभी होना बहुत ज़रूरी है, अभी तक मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिलहाल में हो सकता है कि ये मैंडेटरी हो। और अभी जितना है कि लोगों को शादी में जाने के लिए भी अलाउ किया जा रहा है पुलिस द्वारा, और अगर कुछ मेडिकल काम है जैसे कि वैक्सीन लगानी है या फिर हेल्थ चेकअप है, उसके लिए भी पुलिस इन्हें अलाउ कर रही है, इनका कोई चालान नहीं कर रहा है। हालांकि अगर कोई लोग बेवजह घूमते हुए नज़र आ रहे हैं पुलिस को, तो उन्हें ज़रूर उनका चालान कर रहा है और पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। तो चलिए देखते हैं, लोगों से जानते हैं कि क्या काम है और क्या वाकई में उन्हें आवश्यक काम है तभी वे घर से बाहर निकल रहे हैं। आप किस काम से आए थे बाहर? नहीं, ये तो हमारे से केक पेस्ट्री का सामान लेना है। आपके पास कर्फ्यू कहाँ से है? नहीं, वो बनवाने के लिए दे रखा है। लोग बताइए, आप लोग किस काम से आ रहे हैं? कुछ जरूरी? जी, मेडिकल मेडिकल टीम से दवाई छोड़ने और जा रहे हैं। अच्छा, तो आपके लिए वैसे भी कर्फ्यू है, तो आपके पास कोई पास वाला? जी नहीं, नहीं पास वाला जरूरत नहीं। कर्फ्यू ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग का तो जाना है, बस यही आगे चिपकाना था, चिपका लेंगे। क्या कह रहे हैं, ग्लव की जरूरत पड़ी, ग्लव्स होता है। किस काम से आए हैं? तो जरूरी काम, नशा मुक्ति केंद्र में काम करते हैं, पेशेंट की दवाई लेना है। आप लोग किसी जरूरी काम से बाहर निकले? सर, कोई जरूरी काम से बाहर निकले? बैंक से आ रहे हैं। बैंक से? कुछ कर्फ्यू पास है आपके पास? हाँ जी। कुछ कर्फ्यू पास वगैरह कुछ बनाया है आपने? ना, वो बताइए, तो जरूरी काम से आए? मेडिसिन लेना, मेडिसिन लेना सर। अच्छा, सब्जी मंडी में कुछ जरूरी काम से आए हैं, और भी कुछ सोचा काम? मैम, मेरा तो मेडिकल का काम है सारा ना। मेडिकल का काम? यस मैम, मैं तो सब्जी लेने आया था इसलिए। तो सर,
अभी जैसे कोरोना इतना बढ़ रहा है तो कैसे क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, सब्जी लेते टाइम भी क्या ध्यान देते हैं? मैम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, मास्क लगा के रखते हैं और घर जाके हाथ पैर धो करके अपना ये करते हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए। क्या लगता है लॉकडाउन जो अभी लगा है एक हफ्ते तक वो ज़रूरी था या आप लोगों को कुछ मुश्किलें हो रही हैं? मुश्किलें तो हो ही रही हैं। कैसी मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि दुकानें 4 बजे तक खुली हैं? हम लोग वैक्सीन लगाने गए थे। वैक्सीन लगाने गए थे। तो वैक्सीन लगवा के ही आ रहे हैं। तो क्या लगता है कर्फ्यू सही वजह से हुआ है? सही है जी, वैसे देखा जाए तो प्रिकॉशन के तौर पर तो ठीक ही है। बाकी अब बाकी आप कितना क्या कोशिश करते हैं कि आप कम से कम बाहर जाएं सामान वगैरह लेने के लिए, और क्या प्रिकॉशंस लेकर चल रहे हैं आजकल? हम लोग प्रिकॉशन ये लेके चल रहे हैं जी, अपना जो है जितना बचाव हो सके बच जाए, क्योंकि आजकल ये जैसे बता रहे हैं कि घर पे भी नहीं सेफ है तो कहाँ जाएगा आप उम्र बताइए, और ये डेली नीड्स तो चाहिए। क्या काम था सर? मैम फल लेने आए थे, वेजिटेबल्स फ्रूट्स और क्या चाहिए। लगता है कि 3 महीने तक जैसे कर्फ्यू है तो मुश्किल आएगी आपको या फिर दुकानें तो 4 बजे तक खुली हैं? हम दुकानें तो बंद होनी चाहिए वैसे, पर ये है कि जैसे सर राशन वगैरह जैसे उन वो तो नेसेसरी नीड है तो खुली होनी चाहिए, और लोगों को दिक्कत ना हो, थोड़ी भीड़ कम होनी मार्केट में, और कंट्रोल होना चाहिए, लॉकडाउन कंट्रोल होना चाहिए, लॉकडाउन से कोरोना कम होना चाहिए। बहुत दिक्कत आ रही है। एक ये हो रहा है कि मैंने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा था वो ले नहीं रहे आप, एक ही बलम आ रही है गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट करता अच्छा रही है तो गवर्नमेंट के जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी पावरफुल नहीं है कि मतलब वो कर सके उस चीज़ को। ये इलाका है घंटाघर से कुछ अंदर आकर सब्जी मंडी का, जिसे मोती बाज़ार भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत की, जाना कि वो किस लिए निकले थे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सब्जियाँ लेने निकले थे जो कि ज़रूरी है और इनकी अनुमति दी गई है कर्फ्यू के दौरान। बाकी लोगों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है और सभी इस कर्फ्यू के समर्थन में है और उन्हें अपनी गवर्नमेंट पर पूरा विश्वास है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो कर्फ्यू है जो 3 मई को ख़त्म होने वाला है उसे एक्सटेंड किया जाता है या फिर संक्रमण के दर कम होने की वजह से ये कर्फ्यू यहीं पर थम जाएगा और लोगों की ज़िंदगियाँ वापस रेल की पटरी पर आ जाएंगी। कैमरामैन प्रदीप बिश के साथ मैं आकांक्षा थापा, जय भारत टीवी, देहरादून।